अगर आपको मैं एक ऐसी स्क्रिप्टिंग टेक्निक बताऊं या फिर ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊं, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दी जब मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ स्पेशली मुझे कोई फीलिंग नहीं आती है, तो मैं किस तरीके से ग्रेटिट्यूड दूँ। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए अलग अलग चीज़ों को ढूंढने के लिए या फिर एक जगह कोने में बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। आप खुद चल फिर रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, आपके पास पर्याप्त भोजन है, पीने के लिए साफ़ पानी है, आपकी रोज़ की ज़िंदगी में वो सारी सुख सुविधाएं, यही होती हैं ग्रेटिट्यूड चीज़ें। बट फिर भी अगर आपको फीलिंग नहीं आती है, तो आज एक ऐसी सॉलिड एक्सरसाइज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसको आप खाली बोर अगर आप हो रहे हो ना, तब भी आप ये टेक्निक कर सकते हो। और यकीन मानो, इस टेक्निक को आप हफ्ते में एक दिन ही बस करो, इसको डेली रिपीट नहीं करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। तो ऐसी कौन सी ग्रेटिट्यूड वाली सॉलिड टेक्निक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो भी मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहता है, डिटेल स्क्रीन पर आ रही है। पर्सनल सेशन आपको 300 रुपीज़ में अवेलेबल हो रहा है 45 मिनट के लिए। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, व्हाट यू गेट इन पर्सनल सेशन, प्रॉपर मैनिफेस्टेशन रूटीन आपको मिलेगा और एडवांस अफर्मेशंस मिलेंगी, और अकॉर्डिंग टू योर जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो स्लॉट की जो बुकिंग लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और सिर्फ वही लोग फिल करें जो सीरियस हैं पर्सनल सेशन लेने के लिए, अदरवाइज फॉर्म वेस्ट ना करें। नाउ बैक टू द टॉपिक, नॉट बैक टू योर टॉपिक, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। तो आप भी इसी तरीके की सेम लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है माई फैमिली, माई कैट, माई सिस्टर, माई यूट्यूब चैनल, माई होम, माई सेल्फ, मनी, फूड, शॉपिंग, ग्रेटिट्यूड, फ्लावर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं, जो चीज़ें मुझे हैप्पी बनाती हैं, जो चीज़ें मुझे खुश करती हैं, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं और जिनके लिए मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मैंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों की लिस्ट बनाई है जो चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट टू सेल्फ, फोकस ऑन ओन गुड थिंग्स, लव हु यू आर नाउ। आप जो अभी हो, जो आप करेंट हो ना अभी, वॉट एवर आपका जो भी बॉडी वेट हो, आपकी जैसी भी हाइट हो, आपका जैसा भी स्किन कलर हो, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, यूनिवर्स ने आपको जैसा बनाया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लव हु यू आर नाउ, आप जो अभी हो खुद को प्रेम करो। थिंग्स लव टू डू, जो मुझे चीज़ें करनी पसंद है वो है रीडिंग, ड्राइंग, कैनवास पेंटिंग, लिसनिंग म्यूजिक, स्किन केयर। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोट भी डाला है, एवरी डे हैज़ अ फ्रेश स्टार्ट। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी की चीज़ें बना सकते हो। ये छोटी सी लिस्ट है, आप इसे हफ्ते में एक बार बनाओ, इनफ है। मैं आपको डेली भी बनाने नहीं कह रही हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार इस तरीके की लिस्ट तैयार करो, जो जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो खाने पीने की चीज़ें हों, घूमना हो, आपके दोस्तों से बात करना हो, टीवी देखना हो, चाहे आपको सोना ही क्यों पसंद ना हो, वो चीज़ भी आप लिख सकते हो। आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो जो आपको खुश करती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप यहाँ पे आराम से देखिए, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है लिटरली, और शायद मैं इन चीज़ों को डेली ग्रेटिट्यूड में शायद शामिल भी नहीं कर पाती हूँ। ऑब्वियस बात है, मैं भी बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ कि मुझे क्या ग्रेटिट्यूड में शामिल करना है। बट ये एक ऐसी टेक्निक है जो मैंने आज लिखी है, फिर मैं इसको काफ़ी दिन, 2-3 दिन के गैप बाद लिखूँगी। शायद इस हफ्ते में कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, मुझे इतनी अच्छी तो इंट्यूशन आ ही रहा है, जो भी अच्छा होगा आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरीके से आप भी एक कॉपी ले लीजिए, और उस तरीके से अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, कलरिंग अच्छा लगता है, तो छोटे मोटे जिस तरीके से मैंने कलरिंग की है, आप भी कलर पेन का यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। उसको जितना कलरफुल बनाओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको सिंपल लिखना पसंद है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरीके से अपनी लिखावट को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिखना है। मुझे सारी चीज़ों को डेकोरेट करके लिखना पसंद है, तो मैं इसी तरीके से मैंने बनाया है। अब इस टेक्निक का फ़ायदा ये होगा कि बहुत से लोग, स्पेशली वो लोग जिनको ग्रेटिट्यूड करने में प्रॉब्लम आती है और जिनको फीलिंग नहीं आती है, अगर आप वो ये लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, तो आपको वही चीज़ें पसंद होंगी जिस चीज़ का आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, अच्छे खाने का,
अच्छे होटल का, अच्छे रेस्टोरेंट के फूड का, अच्छी चॉकलेट का, आपके घर का, आप इन सारी चीज़ों को उनके बारे उन चीज़ों को लिस्ट बनाएंगे जो चीज़ें आपको पसंद है। और ऑलरेडी जब आप इन लिस्टों को लिखेंगे ना, इन चीज़ों को लिखेंगे जो चीज़ें आपको पसंद है, ऑटोमेटिक आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। जब मैं इन चीज़ों को लिख रही थी मुझे लिटरली बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसे हर कोई कर सकता है। सो ये टेक्निक ट्राई करो और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पर्सनल सेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी सीक्रेट आस्था। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय।